इस क्वेश्चन में कहा गया है द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स इज 18, देन एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स इज यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। मैं मानता हूं कि एलसीएम इन दोनों का डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली इनका एलसीएम निकालेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी होगा। एचसीएफ की हेल्प से निकालेंगे तो सोल्यूशन छोटा होगा, लेकिन इस तरीके में भी सभी लोग इसको बहुत लेंथी वे करते हैं। मेरा मतलब है कि डायरेक्टली एलसीएम निकालना तो बहुत ज्यादा लेंथी होगा, लेकिन बेटर मेथड में भी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। लेकिन जो मेथड मैं बताऊंगा उसे कुछ एक सेकंड में ही आंसर आ जाएगा। सी हो, ये तो आपको पता ही होगा, दो नंबर ए और बी हो तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू ए इंटू बी। That is, I can say LCM is A into B by H. That is, LCM is this into this by 18. लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड करना भी तो बहुत ज्यादा लेंथी है। अब मैं इसके आगे कैसे करूंगा? सी, ये तो क्लियर है 306 और 1314 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू 306 या 1314 तो आ नहीं सकती। अब मेरे को पता लगाना है कि इसकी वैल्यू ये है कि ये है। ये क्लियर है कि जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 6 4 24 का मतलब इनके पेड का लास्ट डिजिट 4 होगा। इसका आंसर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि ये हुआ तो 18 इंटू दिस मस्ट बी इक्वल दिस, लेकिन 18 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी डिजिट 2 आएगा, क्योंकि 8 4 32, इसलिए ये हो नहीं सकता। लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी डिजिट 4 आएगा, और इस पूरे का भी आखिरी डिजिट 4 था। लेकिन दिक्कत यह है कि यदि ये भी एक चॉइस होती तो फिर कंफ्यूजन हो जाता कि ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। इसको भी बड़ी आसानी से चेक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक दूसरा शॉर्टकट लगाना होगा, और उस शॉर्टकट को लगाने में आपको 5-7 सेकंड लग जाएंगे। लेकिन प्रेजेंटली मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, उसके लिए आपको मेरा नंबर सिस्टम का फाउंडेशन लेवल का वीडियो लेक्चर देखना होगा।